बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बड़ी आम है, इसका मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी का जो पोस्ट है उसमें एक पोस्ट दी थी कि पेपाल को आप पेनर के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। पहली चीज़ थी कि हम पेपाल जो अकाउंट है वो बनाते हैं सिम पे, यूके की जो सिम थी मैंने ऑर्डर की थी यूके की सिम दराज से, उस पर हमने कनेक्ट कैसे करना था पेपाल को पेनर के साथ, क्योंकि मैंने इस पर कई वीडियोज़ देखी। करीब 2 से 3 दिन मेरे ज़ाया भी हुए इस वीडियोस में और नतीजा क्या था? सिफर। क्योंकि किसी भी बंदे ने जो आपको बताता है चीज़ें उसने एग्जैक्ट वो चीज़ बताई नहीं थी कि भाई ये इस तरह करना है या इस तरह अकाउंट बनाना है। कोई भी जो है जितनी भी मैंने वीडियोस दी कि सारे फेल, ज़ीरो। तो यूट्यूब पे मैंने जो है जो सर्च किया, फिर उसके बाद मैंने अकाउंट्स बनाए, मुझे किसी भी अकाउंट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खैर, यहाँ पर एंड करूँगा इस बात को, आगे चलते हैं और आपको बता दूँ कि पेपाल को पेनर के साथ कैसे कनेक्ट करना है। पहले जब आपने पेनियर का अकाउंट बनाया तो पेनियर के अकाउंट में यूएसडी होते, यूएसडी को एक्सेप्ट नहीं करता पेपाल, पहली बात। अब आप क्या करेंगे, आपने डिटेल ऑलरेडी दी हुई पेपाल, क्योंकि आप लोगों सबको पता है कि पेनियर पे जब यूएसडी का अकाउंट बनाते हैं डेटा डिटेल आपकी सब ली जाती है, उसके बाद आपको जो है ना कन्फर्मेशन मैसेज आता है, वो कन्फर्म हो जाता है, अकाउंट नंबर शो होता है। अब आपने दूसरी चीज़ क्या करनी है, एल जी बी शायद इंग्लैंड का जो है वो एल जी बी, हाँ ऐसे ही है एल जी बी, उसको आपने दूसरा अकाउंट बनाना है इंग्लैंड का एल जी बी पेनियर में ही। पेनियर में जब आप एल जी बी का या एल जी पी ए वो अकाउंट जब आप बनाएंगे, उसके बाद उसका जो अकाउंट नंबर होता है जो आपको दिया जाता है उसकी डिटेल फ़ौरन आ जाती है, क्योंकि जब आपका यू एस डी का अकाउंट वेरीफाई होता है तो उसके बाद इंग्लैंड का अकाउंट जो होता है वो आपको दिया जाता है। अब आपने क्या करना है, लिंक अ बैंक पेपाल में जब आप जाएंगे, अब आपने पेनियर का अकाउंट नंबर कॉपी किया, लिंक का बैंक है पेपाल में, पेपाल में जब आप लिंक का बैंक पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आप अकाउंट नंबर फॉरन एंट्री करेंगे। जैसे आप एंट्री करेंगे तो बारक्लेस के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देता है आपके अकाउंट को। जब भी आप करोगे, अभी इस चीज़ को गौर से सुनना, जब भी आप पेनियर को पेपाल के साथ कनेक्ट करोगे तो पेनियर का पेपाल के साथ कनेक्शन इस तरह नहीं है। आपने पहले करना है एल जी पी जो इंग्लैंड का अकाउंट है उसका बैंक नंबर आपने कॉपी करना है, जो आपको दिया होगा वो आपने पेनियर से कॉपी करना है, पेस्ट करना है लिंक का बैंक। लिंक का बैंक में जब आप क्लिक करोगे तो ऊपर सर्च में आएगा, सर्च में आपने बैंक को क्लिक करना है और वहाँ पे पेस्ट करना है अपना बैंक अकाउंट नंबर। फौरन आप जब सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली बारक्लेस के साथ उसको कनेक्ट कर लेगा। ये चीज़ है, ये प्रोसेस है सिंपल, इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है। करीब 2 से 3 दिन मैंने इस तमाम चीज़ों पर रिसर्च की लेकिन नतीजा सिफर था। किसी भी बंदे ने एक्चुअल जिसका एक्चुअल वो वीडियो थी वो उस पर बनाई नहीं थी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, लास्ट दफ़ा बता रहा हूँ कि पेनियर को आपने जो एल जी पी है उसको कॉपी करना है अकाउंट नंबर, उसको पेपाल में जो लिंक का बैंक है वहाँ पे पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, वो ऑटोमेटिकली PSEU के कुछ इस तरह के नाम है, वो ऑलरेडी जो है ना इसकी मैं स्क्रीन शॉट भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, वो ऑलरेडी जो है ना उसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा। इस तरह आपका पेपाल पेनियर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आप बाहर मुल्क से जो भी अमाउंट शायद चाहे टिकटॉक हो चाहे कोई भी हो वो आप जब लाएंगे तो वो आप पेनियर में ले सकते हो। पेनियर को फिर बैंक से कनेक्ट करना बड़ा इजी है पाकिस्तानी। तो यार ये वीडियो थी, इसको मैं काफ़ी टाइम से बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं मसरूफ था बना नहीं सका, आज मौका मिला तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं 2-3 दिन सही जलील हुआ था इस चीज़ में, तो मेरा एक्सपीरियंस है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाजमी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा मैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में और YouTube पे मज़ीद भी काम करेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो बस